हाय एवरीवन कैसे हो प्यारे बच्चों तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे लेकिन कल की क्लास में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था जो कि इंपॉर्टेंट है पहले उसको देखेंगे फिर उसके बाद शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है हमें देखना है सबसे पहले इंसर्ट के अंदर गए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास आता है कुछ यहाँ पर हैडर ठीक है ये हमें हेडर दिखाई देता है अब इसका काम क्या होता है हेडर का जो भी हमारा पेज होता है उसका जो टॉप पोर्शन होता है तो उसके अंदर हमारा डिसाइड होता है हेडर और ऐसे ही जो फुटर होता है वो हमारा कहाँ पर आता है पेज के बॉटम के अंदर तो इनके अंदर काम क्या करते हैं अब यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर यह आ गया मेरा फुटर यहाँ पर लिखा आ रहा है ना कि टाइप हेयर अब यहां पे आप टाइप कर सकते हो अपने रोल नंबर को पेज नंबर को किसी भी चीज को टाइप कर सकते हो अगर इसको आप फुटर को यूज करते हो अपने पेज के अंदर तो इसके अंदर आप अपना पेज नंबर डाल दोगे वो पेज नंबर आपका सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा बाय डिफॉल्ट इतनी बात क्लियर है तो फुटर का, का काम क्या है फुटर के अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं हेडर का काम क्या है हेडर के अंदर भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं बाय डिफॉल्ट अगर कहें हेडर फुटर को जब यूज करते हैं हम तो वो हमारा फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक चला जाता है इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी वर्ड फाइल कितने पेजेस की है पाँच पेजेस की है तो पाँच के पाँच पेजेस के अंदर हमारा हेडर और फुटर दोनों लग जाएंगे वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर अब यहाँ पर जो टाइप हेयर लिखा है इसकी जगह पर अगर मैं कुछ यहाँ पर टाइप करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकता हूँ जो मेरा मन करेगा ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर अपना रोल नंबर टाइप करना चाहूँगा तो मेरे हर पेज के अंदर यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा रोल नंबर आ जाएगा अब यहां पर मैं लिखता हूं जैसे कि अब मैं अपने पेज पर पे जाता हूं कि नीचे मेरा पेज में विजडम दिखाई दे तो ये मेरे हर पेज के ऊपर विजडम दिखाई देगा तो ये काम हो गया हमारा किसका हेडर और फुटर का अब बात करते हैं सीधा सीधा चल के किसकी आर्ट की अब क्लिप आर्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा क्लिप आर्ट के लिए भी दोबारा से हमें इंसर्ट के अंदर जाना पड़ता है और इंसर्ट के अंदर जाकर हमारे पास क्या है यहाँ पर वर्ड आर्ट रही देखो ये वर्ड आर्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा अगर मैं इस टाइप का वर्ड इस टाइप का फॉन्ट अपनी इस कंटेंट के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये यह बॉक्स मेरा ओपन हो गया है ठीक है यहाँ पर ये यह मेरा बॉक्स क्या हो गया ओपन हो गया अब इस बॉक्स को मैं अपनी इस कंटेंट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर मैं जो टेक्स्ट लिखना चाहूँगा वो टेक्स्ट मेरा इसके अंदर आ जाएगा इतनी बात क्लियर है तो ये हमारी वर्ड आर्ट होती है इसके अंदर और ऐसे ही, तो ही हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्या हो जाता है इंसर्ट के अंदर हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स ठीक है और हमारे पास क्या आता है काम का पेज नंबर अब हम जो पेज नंबर है टॉप तो से बॉटम तक देना चाहते हैं या टॉप तो ऑफ द पेज में देना चाहते हैं यानी कि जो हमारा हेडर है उसके अंदर अगर देना चाहते हैं तो टॉप ऑफ द पेज पे हमारा पेज नंबर आ जाएगा बॉटम ऑफ पेज की बात करेंगे तो बॉटम ऑफ पेज के अंदर हमारा पेज नंबर आ जाएगा पेज मार्जिन कितनी देनी है करंट पोजीशन क्या रखनी है या फॉर्मेट पेज नंबर फॉर्मेट पेज नंबर के अंदर जाओगे तो वहां पे क्या होगा कि आप किस नंबर से इस पेज को शुरू करना चाहते हो मानो कि आपके पास डिफॉल्ट तो वन से स्टार्ट होगा लेकिन आप चाहते हो कि फाइव से स्टार्ट हो तो वो काम आप इसके अंदर कर सकते हो इतनी बात क्लियर है सबको ठीक है तो ये बात बतानी थी आपको और अब शुरू करते हैं हम किसके बारे में अपने शॉर्टकट कीज के बारे में ठीक है अब देखेंगे हम अपनी शॉर्टकट कीज़ को अब शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ देखोगे तो शॉर्टकट कीज़ हमें कहाँ तक लेके जाएंगे ये शॉर्टकट कीज़ का बेनिफिट क्या है शॉर्टकट कीज़ का बेनिफिट क्या है अब यहाँ पर देखो जब हम कीबोर्ड के अंदर कीज़ प्रेस करते हैं तो उनमें अगर मैं अपनी ये राइट एरो की अपनी ये राइट एरो की यूज़ कर लूँ तो ये मेरे को कहाँ पर ले जाती है एक कैरेक्टर फॉरवर्ड ले जाएगी यानी कि यहाँ पर अगर आपका इस आर से पहले आपका ब्लिंकर है तो अगर मैं यहाँ पर इस एरो की को यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को एक कैरेक्टर आगे ले गई लेकर चली गई देखा आपने अगर मैं इस लेफ्ट एरो की को यूज़ करूँगा तो ये एक कैरेक्टर मेरे को पीछे लेकर आ गई दिखाई दे रहा है सबको ऐसे ही दोनों कैरेक्टर कीज का काम आ गया समझ में अब मुझे एक लाइन ऊपर जाना है या एक लाइन नीचे जाना है तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट डाउन एरो की यूज़ करूँगा यानी कि बॉटम एरो की यूज़ करूँगा नीचे आ गया मेरा बी के पास ऐसे ही मैं दोबारा से अगर डाउन एरो की यूज़ करता हूँ तो ये मेरा अप वन लाइन के पास यहाँ पर आ जाता है ठीक है अगर मैं अप एरो की यूज़ करूँगा तो ये ऊपर आ गई इन सारी कीज़ के बारे में सबको पता है सबको पता है ठीक है ऐसे ही हमारे पास होता है पेज अप और पेज डाउन तो ये कहाँ पर लेके जाते हैं प्रीवियस स्क्रीन अब मैं कहता हूं कि जो पार्ट आपको विजिबल है यहां पर लेफ्ट एरो से लेके और ये आपको जो दिखाई दे रहा है यू कैन मूव वर्ड बाय वर्ड और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपको प्रीवियस स्क्रीन पे जाना है इसका मतलब क्या है कि इससे पहले का जो ऊपर कंटेंट चला गया हमारा इस लेफ्ट एरो से पहले जो हम राइट right एरो की बात करके आए थे तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा प्रीवियस स्क्रीन पे आ गया है ठीक है यानी कि पिछली स्क्रीन पे जितना मेरे को विजिबल है उस पार्ट को मैं क्या कह रहा हूं यहां पर स्क्रीन कह रहा हूं अगर मैं यहां पर पेज अप कर देता हूं तो ये मेरा इस पार्ट पर आ गया देखो राइट एरो की मेरी सबसे नीचे चली गई अगर मैं यहां पर पेज डाउन कर दूंगा तो ये मेरी कहां पर आ गई अब यहां पर नीचे आ गई तो इस तरीके से हमारी पेज अप और पेज डाउन कीज यूज होती हैं अब बात करते हैं होम बटन की अब होम का काम क्या है होम की का टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन अगर मेरी यहाँ पर कर्जर की पोजीशन है और मैं अपनी होम की प्रेस कर दूँ तो मैं कहाँ पर पहुँचूँगा? कहाँ पर है होम की अब यहाँ पर मैंने होम की प्रेस करी मैं अपनी लाइन के बिगनिंग में आ गया हूँ मैंने जैसे ही यहाँ करंट के पास से मैं जाता हूँ होम की प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को कहाँ पर लेकर आ गया है बिगनिंग पर लेकर आ गया अगर मैं एंड की प्रेस करता हूं तो ये मेरे को करंट लाइन के एंड में ली जाएगी एंड का मतलब क्या है इस ई e के पास लेके आना चाहिए चलो एंड की प्रेस करके देख लेते हैं एंड की कहाँ होती है अब ये हमारी जो कीज़ होती हैं सारी एक जगह ही होती है होम की के नीचे हमारी एंड की होती है हमने प्रेस करा और ये हमारा देखो कर्जर कहाँ पर आ गया ब्लिंकर कहाँ पर आ गया ठीक है अगर मैं होम की यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लाइन लेकर चला जाएगा अगर मैं एंड की यूज़ करता हूँ तो ये मुझे कहाँ लेकर आ गया है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ठीक है तो ये हो गया हमारा कीज की बात अब की कम्बिनेशन के अंदर आप देखोगे कि एक की के साथ हमें दूसरी की प्रेस करनी पड़ती है ताकि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो दूसरे टाइप का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो अगर मैं कहता हूँ कंट्रोल प्लस ठीक है अगर मैं कंट्रोल प्लस कुछ दबाऊँ तो ऐसा क्या दबाऊँ अगर मैं कंट्रोल प्लस यहाँ पर कुछ दबाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा अगर मैं इसके साथ अगर मैं इसके साथ इस इस बटन को दबाता हूँ यानी कि राइट एरो को तो ये मुझे कहाँ पर लेकर चली जाएगी टू द नेक्स्ट वर्ड लेकर चली जाएगी ऐसे ही मुझे प्रीवियस वर्ड के ऊपर आना है तो मुझे कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो की प्रेस करनी पड़ेगी ठीक है अगर मैं चलता हूँ कंट्रोल प्लस टू द स्टार्ट ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ प्रीवियस पैराग्राफ पे जाना है यानी कि ऊपर की तरफ जाना है तो अप की अप एरो की हमें यूज़ करनी पड़ेगी अगर मैं यहां पे कहता हूं कि कंट्रोल प्लस में टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि नीचे वाले पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जाना चाहता हूं मैं यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर चार पांच दस बीस पच्चीस लाइन हो सकती हैं तो वो उन सारी की सारी लाइंस को स्किप करता हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आएगा और उसके बिगनिंग पे चला जाएगा अभी करके देखेंगे इसके बारे में अगर मैं कहता हूं कि ब्राउज ऑब्जेक्ट मेरा प्रीवियस ब्राउज ऑब्जेक्ट में किसके ऊपर काम कर रहा था टेबल के ऊपर काम कर रहा था पैराग्राफ के ऊपर काम कर रहा था कहां पे कर रहा था तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस में पेज अप ऐसे ही मुझे नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जाना है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस में पेज डाउन ठीक है अब बात करते हैं टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट अगर मुझे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में जाना है अभी हमने होम की की बात करी थी अगर केवल मैं होम की प्रेस करता हूं तो मुझे कहां पे लेके आती है लाइन की बिगनिंग में ले आती है अगर मेरा ये पूरा सेंटेंस है टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और मेरा कर्जर कुछ यहां पर प्लेस है यहाँ पर प्लेस है अगर मेरे को इस कर्जर को उठाकर कर कहाँ पर लेके आना है बिगनिंग में तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर होम की को यूज़ कर लेता हूँ लेकिन भैया बात ऐसी है कि मैंने प्रेस क्या किया है कंट्रोल प्लस में होम की को तो अब अगर मैं मानता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ पर है इस कंट्रोल के पास है यहाँ से मैंने काम शुरू करा है अपना तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर अगर मेरा कर्ज ब्लिंकर है तो मैं क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करूंगा ताकि मेरा ब्लिंकर कहां पे पहुंच जाए इधर पहुंच जाए बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द पेज में पहुंच जाए क्लियर है इतनी बात अगर ऐसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करता हूं तो ये मेरे को अगर मैं कहता हूं कि ये पूरा पेज मेरा कहां पर खत्म हो जाता है इस डॉक्यूमेंट के बाद तो मेरा ब्लिंकर कहाँ आ जाएगा यहां पर आ जाएगा इतनी बात क्लियर है अगर मैं यहां पे केवल एंड एंड की को प्रेस करता तो मेरा ब्लिंकर कहां पे पहुंचता अगर मेरा ब्लिंकर मानो

प्रेस द F5 की टू यूज द गो टू कमांड अगर हमें गो टू कमांड यूज करनी है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है F5 की प्रेस करनी पड़ती है जैसे ही मैं अपने इस कीबोर्ड के ऊपर F5 की प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके ऊपर लिखा है यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस ठीक है अब मैं इसके अंदर एंटर कर सकता हूँ पेज नंबर को अगर मुझे फाइंड करना है किसी वर्ड को तो मैं फाइंड पे जाऊँगा फाइंड कर लूंगा अगर मैं उस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पहले फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद मेरे पास रिप्लेस विद का ऑप्शन आ जाएगा यानी कि अगर मैं चाहता हूँ इस वर्ड के अंदर यहाँ पर यूज़ लिखा है तो मैं इस वर्ड को यूज़ को यहाँ पर फाइंड कर लूँगा और यूज़ की जगह मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ यूज करना चाहता हूँ इसकी वी टू फॉर्म लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा यूज लिख दूँगा तो जो यूज था वो चेंज किसके अंदर हो जाएगा यूज के अंदर और इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा F5 की को प्रेस करना पड़ेगा क्या प्रेस करना पड़ेगा F5 की को क्या प्रेस करना पड़ेगा F5 की को और F5 की को प्रेस करने से हम किस कमांड को यूज करते हैं गो टू कमांड को F5 की को यूज करने से हम किस कमांड को यूज करते हैं गो टू कमांड को इतनी बात याद होनी चाहिए पेपर के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है this will display a dialog box where you will have various options to reach to a particular page a particular page ke upar jane ke liye various option aa jate hain normally we use the page number the line number or the section number to go directly to a particular page and finally press to the go to button theek hai samajh mein aa gaya हमने तो प्रैक्टिकली करके देख लिया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये इसका एग्जांपल है इसकी फोटो देख लो यहाँ पर अब क्या हुआ था यहाँ पर To पे पहुँच गए थे जैसे मैंने F5 फाइव प्रेस किया था और गो टू के अंदर अगर मैं पेज नंबर यूज़ करता हूँ या फिर मैं अगर पेज नंबर को चेंज करके मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर सेक्शन करना चाहता हूँ कि किस सेक्शन के ऊपर जाना चाहिए मेरे को या किस लाइन के ऊपर जाना चाहिए तो ये काम मेरा किसके ऊपर हो जाता है यहाँ पर गो टू के अंदर लेकिन जैसे ही मैं फाइंड के ऊपर करूँगा तो फाइंड के अंदर मेरे पास आ जाएगा कि आप फाइंड क्या करना चाहते हो लेकिन जैसे ही रिप्लेस पे करूंगा तो वहां पे फाइंड का ऑप्शन भी आएगा और रिप्लेस का ऑप्शन भी आएगा ये दोनों ही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे ताकि आप पहले वर्ड को फाइंड कर सको और उसके बाद उस वर्ड को आप उस फाइंड वर्ड को रिप्लेस कर सको न्यू वर्ड के साथ अब कहते हैं कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप क्या प्रेस करते हो कंट्रोल प्लस एस सेव करते हो ये आपकी शॉर्टकट की है अब शॉर्टकट की और उनके डिस्क्रिप्शन आ गए जैसे कि कंट्रोल प्लस ए के बारे में लिखा है इसके अंदर ये क्या करती है कंप्लीट जितना भी कंटेंट आपके इसके अंदर होता है वर्ड फाइल के अंदर उसको क्या कर देती है ये सिलेक्ट कर देती है क्या कर देती है सिलेक्ट कर देती है कंट्रोल प्लस बी का, का काम क्या है बी का मतलब होता है बोल्ड बड़ा करना तो कंट्रोल वी प्रेस करोगे और जो भी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा आपका पहले उस डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मानो कि मैं इस बोल्ड हाइलाइटेड सेक्शन को क्या करना चाहता हूँ बोल्ड करना चाहता हूँ और गहरे तरीके से दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले तो यहाँ से मेरे को ब्लिंकर को उठाकर लेफ्ट की प्रेस करते हुए इस पूरे वर्ड को क्या करना पड़ेगा सिलेक्ट करना पड़ेगा ये सेंटेंस जब मैं सिलेक्ट कर लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पे क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करूंगा जैसे ही कंट्रोल प्लस बी को प्रेस करूंगा यहाँ पर यह वर्ड मेरा क्या हो जाएगा हाईलाइटेड हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है और ज़्यादा डार्क शेड के अंदर दिखाई देगा सभी बच्चों को पता है सभी बच्चे यूज़ करते हैं इस चीज़ को अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी की कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी करना कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट करना कंट्रोल प्लस पी का मतलब क्या होता है पी से होती है हमारी प्रिंट विंडो ओपन हमारी पी से क्या होती है प्रिंट विंडो ओपन होती है ऐसे ही कंट्रोल प्लस एफ है तो कंट्रोल प्लस एफ को यूज़ करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा फाइंड बॉक्स कंट्रोल प्लस एफ के अंदर हमारा फाइंड बॉक्स निकल के आएगा देखो करके देखें कंट्रोल प्लस में एफ तो यहां पर आ गया नेविगेशन के लिए हमारे पास क्या आ गया फाइंड बॉक्स अब इसके अंदर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है ऐसे ही हमारे पास कंट्रोल प्लस आई होता है अब यहां पर कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या हो गया कंट्रोल प्लस आई का मतलब हो गया कि यहां पर हम अपने वर्ड को कैसी शेप देना चाहते हैं इटैलिक शेप देना चाहते हैं कंट्रोल प्लस के से हम क्या करते हैं लिंक इंसर्ट करते हैं किसी भी साइट का वेबसाइट का कोई भी हमारा डोमेन लिंक है उस सारे लिंक्स को हम किससे इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए से अब आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे फुटर लगाया था तो ये फुटर मेरा काम कर रहा है ना हर पेज के ऊपर आपको फुटर दिखाई देगा यहाँ पे देखो यहाँ पर भी फुटर दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे अगर ये फुटर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपने पेज के ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये फुटर हमारा एडिट मोड में आ जाएगा अभी किसके अंदर है ये अनएडिटेड मोड के अंदर है यानी कि रीडेबल फॉर्म के अंदर है लेकिन जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूँ जैसे ही मैं यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो ये किस मोड में चला जाएगा ये फुटर हमारा अब किस मोड में आ गया है एडिटेबल मोड के अंदर अब मैं यहां पर अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूं यानी कि इस विजडम को यहां से हटा भी सकता हूं इतनी बात क्लियर है सबको अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं यहां पर कहां पर थे हम हम थे कंट्रोल प्लस के पे तो ये काम कर रहा था हमारा इंसर्ट लिंक का कंट्रोल प्लस यू की बात करोगे तो यू से क्या होता है अंडरलाइन करना अंडरलाइन करना अगर मैं अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन करना चाहता हूं तो मैं इसको कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर सकता हूं इस पूरे को पहले सिलेक्ट करूंगा सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या प्रेस कर दूंगा कंट्रोल प्लस यू तो ये इस पूरे सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन कर देगा कंट्रोल प्लस वी का मतलब क्या है पेस्ट करने का है कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है कट होता है कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है ये तीन कमांड तो सबको पता है अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस वाई की कंट्रोल प्लस वाई का मतलब है रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म ऐसा होता है कि कई बार हम डॉक्यूमेंट लिखते हुए हमें क्या करना पड़ता है कोई डॉक्यूमेंट हमने लिखा जैसे कि मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय अब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिख दिया ठीक है लेकिन मैं इसके अंदर से क्या करना चाहता हूं मेरा गलती से ए इसमें से डिलीट हो जाता है तो डिलीट हो गया तो मुझे क्या चाहिए मुझे तो वही फॉर्मेट चाहिए जिसके अंदर मैंने ये कंटेंट लिखा था पूरा का पूरा तो अब क्या होगा आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वाई तो जो मेरा ए डिलीट हो गया था वो ए मेरा दोबारा से सेंटेंस के अंदर आ जाएगा वो ए मेरा दोबारा से सेंटेंस के अंदर आ जाएगा ऐसे ही मेरे पास होती कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस जेड से हम जो एक्शन पहले परफॉर्म करके आए हैं और उसके बाद अगर मानो कि दूसरा एक्शन परफॉर्म किया है तो जो दूसरा एक्शन है उसको हमें क्या करना है खत्म करना है तो हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो हम लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म किया होगा उस एक्शन के ऊपर हम पहुंच जाते हैं जैसो जैसे यहाँ पर देखोगे कि अंडू लास्ट एक्शन अब मैंने यहाँ पे क्या किया था टी एच ई और लिख दिया लेकिन मुझे क्या करना है इस टी एच ई को हटाना है यहाँ से तो मैं क्या करूंगा कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा तो ये मेरा टी एच ई जो है वो हट जाएगा ऐसे ही चलते हैं कंट्रोल प्लस एल की तरफ तो अब ये कंट्रोल प्लस एल क्या कह रहा है अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन अब ये हमारा जो भी टेक्स्ट होगा जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको कहाँ पे अलाइन कर देगा इस तरफ ये जो हमारा पेज है इसके इस तरफ अलाइन कर देगा यानी इस पोजिशन में यहां से हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा ठीक है अगर ई की बात करेंगे तो ई हमें कहाँ लेके जाता है ई हमें लेके जाता है सेंटर के अंदर ई हमें कहाँ लेके जाता है सेंटर के अंदर अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन यानी कि कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा इस सेंटर के अंदर आ जाएगा ठीक है और कंट्रोल प्लस आर की बात करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर देगा कंट्रोल प्लस आर हमारे टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर देगा राइट right साइड के अंदर कंट्रोल प्लस आर हमारा टेक्स्ट को कहाँ पे कर देगा राइट ऑफ द स्क्रीन यानी कि जो टेक्स्ट हमारा होगा अब वो यहाँ से हमारा शुरू होगा कंट्रोल प्रेस एम की बात करें तो ये होता है इंडेंट करने का काम इंडेंट करना पैराग्राफ को ऐसे ही हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एफ होता है ये किस लिए यूज़ करते हैं अगर हम चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट को अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है भाई हमें कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में एफ़ का फिर आता है कि कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में हम किस साइन को यूज़ करें इस एंगुलर ब्रेसिस को जो ओपन हो रहा है या फिर इसको ग्रेटर देन का साइन भी कह सकते हैं तो अगर इस साइन को हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ तो ये क्या कर देता है हमारे फोन्ट की साइज़ को वन पॉइंट से बारह पॉइंट तक इंक्रीज़ कर सकता है ठीक है यानी कि अगर आपको अपने फोन का साइड मैंने ऐसे इतना फोन लिखा है और इसको आपको बड़ा करना है तो आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस में शिफ्ट और ग्रेटर देन का एरो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन का एरो ऐसे ही हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस में क्या क्लोज ब्रैकेट कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट अब मैं कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट का यूज करूं कंट्रोल प्लस में यहां पर क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ तो ये क्या कर देगा इंक्रीज करेगा सिलेक्टेड फोन्ट को कितना वन पॉइंट तक अगर मैंने यहां पर कंट्रोल प्लस में इसका यूज कर लिया तो ये देखो मेरा टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है होता जा रहा है ना कंट्रोल प्लस में क्लोज से ठीक है अगर मैं यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेस देन और किसका साइन है ये लेस देन का साइन है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में लेस देन का साइन तो ये कर देगा डिक्रीज सिलेक्टेड फोन माइनस वन पॉइंट इफ ट्वेल्व पॉइंट और लोअर इफ अबाउट ट्वेल्व तो डिक्रीज फॉन्ट बाय टू पॉइंट्स यानी कि अगर आपका जो फोनट है वो बारह पॉइंट तक का आप इसके अंदर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वह कितना डिक्रीज करेगा अंदर इसके वन लेकिन आपने फोन यूज़ किया है इसके अंदर फोर्टीन पॉइंट का या सिक्सटीन पॉइंट का यानी बड़े फोन्ट को आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर यह फिर कितना डिक्रीज़ करेगा पॉइंट टू को डिक्रीज़ करेगा अगर फोर्टीन पॉइंट का फोर्टीन पॉइंट का आपका कोई फॉन्ट है तो उसको ये कितना कर देगा ट्वेल्व कर देगा लेकिन आपका ट्वेल्व पॉइंट का कोई फोन होगा तो उसको कितना कर देगा एलेवन कर देगा ऐसे ही जब हम इस ग्रेटर देन साइन के साथ चल रहे थे तो ये क्या कर रहा था अगर हमारा फोन्ट बारह पॉइंट तक का था तो उसमें प्लस वन कर रहा था अगर जीरो से लेके बारह तक था तो ये कितना कर रहा था वन कर रहा था यहां पर वन से बारह हो गया अब अगर यहां पर हमारा फोर्टीन से लेके और फिर हमारा बड़ा होगा तो वो हमारा कहाँ तक कहाँ तक जाता है ये वैसे तो जाता है हमारे टेबल के अंदर बेहतर तक तो अगर फोर्टीन से सेवेंटी टू तक है तो ये कितना इंक्रीज कर देगा प्लस टू का यानी कि अगर फोन आपका फोर्टीन का है तो वो कितने का हो जाएगा इससे सिक्सटीन का अगर आपका ट्वेल्व का है तो वो कितना हो जाएगा थर्टीन का हो जाएगा इतनी बात क्लियर है लेकिन अगर आपके फ़ॉन्ट को आपको डिक्रीज करना है केवल वन पॉइंट से चाहे वो कितना हो फोर्टीन हो ट्वेल्व हो इलेवन हो टेन हो सिक्सटीन हो कितना भी माइनस वन चाहते हो बस तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट का साइन कंट्रोल प्लस में ओपन ब्रैकेट वाली की ठीक है अब आप क्या करना चाहते हो व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स या तो आप व्यू करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में स्टार को कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में स्टार को ऐसे ही हमारे पास कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो आ जाए कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो तो ये हमारे वर्ड को कहाँ पे लेफ्ट कर देता है एक पोजीशन लेफ्ट के अंदर ले जाता है वन वर्ड टू द लेफ्ट ऐसे ही कंट्रोल प्लस में राइट एरो यूज़ करोगे राइट right एरो मतलब ये वाला लेफ्ट एरो मतलब ये वाला तो ये हमें मूव्स वन वर्ड टू द राइट ये हमें कहाँ ले जाएगा राइट right के अंदर राइट एरो राइट में ले जाएगा लेफ्ट एरो लेफ्ट के अंदर ले जाएगा कंट्रोल प्लस अप एरो कंट्रोल प्लस डाउन एरो इनके बारे में पढ़ के आ चुके हैं हम कंट्रोल प्लस में डेल की बात करें तो अब ये डिलीट करता है वन वर्ड टू राइट ऑफ द कर्जर कर्जर के राइट में कहां पे डिलीट करता है कर्जर के राइट से डिलीट करता है ये कर्जर है अब कर्जर का लेफ्ट ये हो गया अगर कर्जर इसके राइट में है यहां पर तो इस पूरे वर्ड को ये क्या करेगा डिलीट करेगा ऐसे ही कंट्रोल प्लस में बैक स्पेस की को अगर यूज करेंगे तो ये क्या करेगा डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्जर कर्जर के लेफ्ट में अगर मेरा कर्जर यहां पर है तो ये इस पूरे वर्ड को यहां से उड़ा देगा ठीक है कंट्रोल प्लस एंड की बात करें तो कंट्रोल एंड करने से क्या होगा मूव द कर्जर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एंड से क्या करता है मूव द कर्जर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट हमने एंड के बारे में पढ़ा था वही दोबारा से रिपीट हो गया एंड की बात करेंगे तो लाइन के एंड में लेके जाता है लेकिन कंट्रोल प्लस में एंड को यूज करते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में हमारे कर्जर को लेकर चला जाएगा कंट्रोल प्लस होम की बात करें तो मूव द कर्जर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट वही बात अगर होम का यूज करोगे तो ये कहाँ पर ले जाएगा इस लाइन के शुरुआत में लेकिन कंट्रोल प्लस में होम है तो ये हमें कहाँ ले जाएगा इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगनिंग में तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार की बात हो गई थी अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस में वन की सिंगल स्पेस लाइन सिंगल स्पेस लाइन देना हो तो हमें कंट्रोल प्लस वन डबल स्पेस लाइन देनी है तो कंट्रोल प्लस टू प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस फाइव करते हैं तो लाइन स्पेसिंग हमारी कितनी हो जाती है वन पॉइंट फाइव लाइन स्पेसिंग हो जाएगी लाइन स्पेसिंग मतलब ये गैप जो है हमारा उसको हम कितना बढ़ाना चाहते हैं ठीक है अगर हम कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस में वन का यूज करते हैं तो ये क्या कर देता है चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग वन हेडिंग वन का मतलब एच टी एम एल के अंदर पढ़ के आए थे कि अब जो टेक्स्ट लिखा रहेगा उसका साइज क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा अगर आर्ट प्लस टू करते हैं कंट्रोल प्लस में आर्ट टू करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो किस फॉर्मेट में आ जाएगा अब हेडिंग टू के फॉर्मेट में यानी कि अब जो हेडिंग लिखा होगा अब जो वर्ड लिखा होगा यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैं लिख देता हूँ सी एच ए एन जी ई चेंज तो ये वर्ड से ये वर्ड बड़ा होगा ये वर्ड हमारा छोटा होगा ऐसे ही थ्री प्रेस करोगे तो यो चेंज जो लिखा आएगा ये हमारा उससे भी ज़्यादा छोटा होगा तो इस तरीके से हम अपने वर्ड को अपने टेक्स्ट को हैडिंग के अंदर भी चेंज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस थ्री से अब आया कि कंट्रोल प्लस एफ वन की को अगर यूज़ करते हैं तो क्या होता है तो ये हमारे टास्क पेन को या टास्क पेन की जगह हम कहें विंडो को ओपन कर देता है टास्क विंडो को ओपन कर देता है किसको ओपन कर देता है टास्क विंडो को ओपन कर देता है अगर एफ़ वन प्रेस करते हो तो एफ़ वन से खुलता है हमारा हेल्प का डायलॉग बॉक्स अगर F1 प्रेस करते हो तो हेल्प का ऑप्शन खुल जाता है अगर मैं आल्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में F2 टू करूंगा तो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता हूँ अगर मैं आल्ट कंट्रोल प्लस F2 करता हूँ तो न्यू डॉक्यूमेंट यानी कि जिसके अंदर आप बिल्कुल नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हो वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा कंट्रोल प्लस में F2 करता हूँ तो ये करता है डिस्प्ले द प्रिंट प्रिव्यू कंट्रोल प्लस F2 क्या करता है कंट्रोल द डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। शिफ्ट प्लस में एफ टी की बात करें तो शिफ्ट प्लस एफ थ्री हमारा क्या करता है चेंज द टेक्स्ट शिफ्ट प्लस एफ थ्री क्या करेगा चेंज द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रॉम अपर टू लोअर केस और कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड अब यह क्या करेगा कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टैक्सट होगा उसको क्या कर देता है अपर टू लोअर केस के अंदर अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं ए बी सी डी और इनको मुझे करना है ए बी सी और डी तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा स्मॉल के अंदर चेंज हो जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट की हमारे सामने आई शिफ्ट प्लस में इंसर्ट अगर मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट प्रेस करता हूँ तो ये क्या काम करती है ये भी वही काम करती है जो हमारा कंट्रोल वी काम करती है तो ये वाली की भी हमारा क्या काम करेगी जो हमारी कंट्रोल प्लस वी की कर रही थी यानी कि पेस्ट का काम एफ फोर की बात करें तो एफ फोर के अंदर हमारे पास रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड लास्ट एक्शन परफॉर्म को रिपीट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा एफ फोर को प्रेस करना पड़ेगा ठीक है हो जाएगा इतना हो जाएगा अब बात करें F5 की तो F5 की अगर पावर पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछूं पावर पॉइंट जो आपको पढ़ाया उसके अंदर F5 की का क्या काम था भाई तो उसके अंदर क्या था स्लाइड शो बिगिन करने का काम आपका किसका था F5 की का अब यहाँ पर F5 की का काम क्या है ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर एफ की का काम चेंज हो गया पावर पॉइंट के अंदर एफ की प्रेस करते थे तो वहां पर क्या होती थी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन का था वो ओपन होता था पूरी स्क्रीन के ऊपर कि अब यहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हो लेकिन यहां अगर वर्ड के अंदर F5 की का बात करें तो ये क्या कर रहा है हमारी ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये देखो मैंने जैसे ही एफ की प्रेस की तो ये क्या आ गया हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ गया ठीक है कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में F6 सिक्स कंट्रोल प्लस में शिफ्ट प्लस में F6 की बात करें तो ये करता है ओपन टू अनदर ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट अब ये किसको ओपन कर देता है जो अनेदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है जो पहले से ओपन है यानी उसकी तरफ शिफ्ट कर देगा अगर मैंने यहाँ पे दो वर्ड खोले होंगे तो ये एक से स्विच करके मेरे को दूसरे पे ले जाएगा F7 की बात करेंगे तो F7 क्या करता है स्पेलिंग चेक करता है ग्रामर चेक करता है सिलेक्टेड टेक्स्ट की ठीक है अगर आपने डॉक्यूमेंट में मैंने लिख दिया एस पी ई एल स्पेल ऐसे मेरा टाइप था अगर मुझे ये चेक करना है कि मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो मुझे क्या प्रेस करना पड़ेगा F7 को प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये मेरी एरर को चेक करे और उसको ये करेक्ट कर सके शिफ्ट F7 की बात करेंगे तो शिफ्ट F7 क्या करता है थी से क्या होता है थीसेरस हम भैया डिक्शनरी को कहते हैं थीसेरस हम किसको कहते हैं डिक्शनरी को कहते हैं थीसेरस किसे कहते हैं डिक्शनरी को f12 की बात करेंगे तो f12 से हम सेव एज के ऑप्शन पे चले जाते हैं अगर आपका न्यू डॉक्यूमेंट है और आप कंट्रोल प्लस में s प्रेस कर रहे हो तो वो भी हमें सेव एज में ही लेके जाता है लेकिन अगर f12 प्रेस करोगे तो वो आपको एज ए न्यू डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करता है और वो सेव एज की तरह ओपन करता है लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस में F12 प्रेस करते हो शिफ्ट प्लस में F12 प्रेस करते हो तो वो हमें कहाँ लेकर जाएगा सेव पर ना कि सेव एज के ऊपर ठीक है वो कहाँ नहीं लेकर जाएगा सेव एज पे नहीं सेव एज पे जाना है तो वो लेकर जाएगा भैया हमें किससे F12 से लेकिन शिफ्ट प्लस में F12 प्रेस करोगे आप तो वो हमें कहा ले जाएगा सेव डॉक्यूमेंट पे लेकिन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल कमांड आ गई कंट्रोल प्लस प्लस में Shift में शिफ्ट अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो एक कमांड ये भी होती है कंट्रोल प्लस में अगर आप कंट्रोल प्लस पी करते हो <coughs> सॉरी तो वो भी हमें प्रिंट के ऊपर लेके जाती है और अगर ये वाली प्रिंट करते हो ये वाली कमांड यूज करते हो तो ये भी हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए होती है अब अगर डेट इंसर्ट करनी है तो डेट इंसर्ट करने के लिए हमारे पास होती है प्लस प्लस में Shift प्लस में शिफ्ट शिफ्ट डी और इंसर्ट करंट टाइम को शिफ्ट करना है यानी कि इंसर्ट करना है तो यहां पर हो जाती है प्लस प्लस में Shift प्लस में शिफ्ट टी क्लियर है इतनी बात अब उसके बाद थोड़ी सी कमांड रह गई है इनको और देख लेते हैं अगर माउस शॉर्टकट की बात करें आपसे तो माउस शॉर्टकट के बारे में सबको पता है कि अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ अगर मैं क्या करता हूँ ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा तो क्या होगा माउस शॉर्टकट के अंदर क्या होंगे भैया जो क्लिक्स का खेल है ना जो कितनी बार क्लिक करते हैं तो उनसे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की है अगर मैं क्लिक करता हूँ होल्ड करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करता है मेरे डॉक्यूमेंट को मेरा जो टेक्स्ट है उसको जहाँ पर मैं जितना होल्ड करता हूं उसको मैं वहां से उठाकर ले जा सकता हूं सिलेक्ट टेक्स्ट देखो क्लिक करने से सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू क्लिक एंड होल्ड टू द पॉइंट यू ड्रैग एंड लेट गो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पर मैंने क्लिक करा अपने लेफ्ट बटन को लेफ्ट करने के बाद मैंने उसको होल्ड करके रखा उस बटन को छोड़ा नहीं है अभी और उसको खींच के मैं ऐसे पूरा लेके आया तो ये जितना पोर्शन था ये सारा का सारा मेरा ब्लू हो जाता है तो उसी चीज को इसने किससे बताया है? क्लिक करना है होल्ड करना है और ड्रैग करना है ड्रैग मतलब खींच के लेके जाना है उसको अब बात करते हैं डबल क्लिक की अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो क्या होता है इफ डबल क्लिक अ वर्ड सिलेक्ट द कंप्लीट वर्ड अगर मैं यहां इस कंप्लीट को पूरे को सिलेक्ट को करना चाहता हूं पूरी लाइन को नहीं केवल कंप्लीट कंप्लीट को तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरा कर्जर यहां पर लाओ और उसके बाद मैं यहां पर जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरा पूरा कंप्लीट वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा ठीक है अब डबल क्लिक यहां पर भी है डबल क्लिक एनी वेयर आफ्टर टेक्स्ट ऑन अ लाइन विल सेट आ टैब स्टॉप ट्रिपल क्लिक की बात करेंगे तो सिलेक्ट द लाइन और पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक से क्या करते हैं पूरी की पूरी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस में माउस व्हील अगर मैं कंट्रोल को प्रेस करके माउस व्हील करता हूँ तो ये मेरे डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट करने के काम आता है अब मुझे यह बताओ अगर मैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहता हूँ तो ये कितना परसेंट जूम हो सकता है तो आप कहोगे सर आपने बताया था कल कि यह हो सकता है पाँच सौ परसेंट अगर मैं पावर पॉइंट की बात करूँ तो ये कितना हो सकता है तो आप कहोगे सर यह हो सकता है चार सौ परसेंट अगर मैं अपने एक्सेल की बात करूँ एक्सेल तो कितना हो सकता है तो आप कहोगे सर ये भी हो सकता है चार सौ परसेंट ही इतनी बात क्लियर है तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए बाय टेक केयर हैव अ नाइस